नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज ही अपने पास एक वीडियोकॉन कंपनी की ये टीवी रही, सब कुछ ओके दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम एक है इसमें, क्या कि साउंड नहीं आ रही है। देख सकते हैं वॉल्यूम इसका 63 पॉइंट फुल है, और हमारे DTH का वॉल्यूम देख सकते हैं ये भी लगभग लगभग फुल ही है, लेकिन कोई भी आवाज़ इसमें नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इस समस्या को सही करने वाले हैं, और हमने साउंड का लीड भी लगाया हुआ है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए मोनो पे था ये हमारा सेटिंग, मोनो पे अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं तो भी कोई रिस्पांस नहीं है। तो आगे हमारा वीडियो चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए वीडियो चल रहा है लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो प्रॉब्लम इसमें ये आई है कि सब कुछ ओके है, बस साउंड की समस्या है, स्पीकर नहीं चल रहा है इसका। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इस टीवी को सही करते हैं, और ठीक है जब तक टीवी को हम ओपन कर रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से ओपन करते हैं और आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी जो है ओपन कर ली है स्क्रू को, और बॉडी को भी हटा लेते हैं, काफ़ी गंदगी है इसमें, इस टीवी में। तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे की हम। तो फटाफट से साफ़ करते हैं इसको हम। काफ़ी गंदगी है यार। तो दोस्तों जैसे हमने टीवी की बॉडी को ओपन किया वैसे ही सब कस्टमर्स आने लगे और हमारा कार्यक्रम वहीं पर रुक गया। तो आइए फिर से कार्यक्रम को अपना शुरू करते हैं, टेस्टिंग इसका स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लगाया इसको पावर में, सीरीज बल्ब ऑन है तो अभी ये उठाएगा थोड़ा सा लेट, 1 मिनट डायरेक्ट लगा देते हैं जब तक ये उठा रहा है। तो चलिए इसको हमने लगा दिया डायरेक्ट, और टीवी हमारी ऑन अभी नहीं हुई क्योंकि हमको ऑन करना पड़ेगा। तो रिमोट से ऑन करते हैं। ये क्या यार, रिमोट नहीं काम किया क्या, आवाज़ नहीं आई चुक से लाइट लाइट इसकी तो जल रही है, नहीं ऑफ है, ऑन हो गई है शायद, हाँ ऑन है। तो आगे डिस्प्ले आ चुका है और ये भी कर लेते हैं, तो ये भी को हमने कर लिया। और वीडियो का लीड यहाँ पे लगा लेते हैं, ऑडियो वीडियो, और फिर चेक करते हैं, ये हो गया वीडियो, ये हो गया ऑडियो। ठीक है वीडियो चल रहा है, और साउंड वगैरह तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया था, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम तो फुल था। और सबसे पहले तो हम इसका स्पीकर चेक करेंगे क्योंकि स्पीकर जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वाइस क्योंकि ठोस होती है, मतलब मजबूत होती है इन सब की। तो यहाँ पर इसका स्पीकर लगा हुआ है, देख सकते हैं सुबह से हो चुकी है शाम कस्टमर आ गए थे ना, तो यहाँ पर इसका स्पीकर है, इस पर हम टच कराते हैं देखते हैं, तो कोई रिस्पांस नहीं है इस तरफ वाले स्पीकर में और यहाँ वाले स्पीकर में, चेक करते हैं तो नहीं दोस्तों, इसका मतलब स्पीकर सही है। तो टीवी को हम निकाल लेते हैं पावर इसका, और सर्किट को बाहर करते हैं। ये कहाँ का जैक है, इसी में का है, चलिए साउंड का जैक ये रहा, इसको निकाल लिया, और PTC का जैक निकाल लेते हैं, ठीक है निकल गया, और इसका जैक निकाल लेते हैं। इसका मतलब इसमें स्पीकर सही हैं, IC जाने की चांसेस है। तो 1 मिनट, तो ये अपना क्या बात है, रिपेयरिंग तो हुई है ज़बरदस्त इसमें, नहीं ज़्यादा नहीं हुई फिर भी हुई है थोड़ी बहुत। तो सर्किट 1 मिनट में सेट करता हूँ, तो ये रही सर्किट, ठीक है थोड़ा यार क्लियर नहीं है, क्या किया जाए अब, क्लियर हो जाए यार, चलिए ठीक है जान दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा वैसे ही। और सबसे पहले आइए सप्लाई को चेक कर लेते हैं, आखिर इसमें सप्लाई कौन कौन सी बन रही है आखिर, ठीक है
शीशे को मैं घुमा लेता हूँ अपना अपने देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसका लाइट पावर वाला जल रहा है, ये देखिए स्विच इसका काम करता है। स्विच इसका काम तो किया, टीवी ऑन हो चुकी है, ये भी करना होगा हमको, ये भी कर लेते हैं। तो वीडियो नहीं चला क्योंकि उसका जैक मैंने निकाल दिया है। यहाँ से अगर इसको हम शॉर्ट कराएंगे तो ये वीडियो चलने लगेगा। यहाँ इसकी जैक में ये देखिए, ये जो इसकी जैक है इसको शॉर्ट कराएंगे तब वीडियो चलेगा। यहाँ वीडियो इसमें बंद है, ये भी लिख के बस आ रहा था। तो क्या करने वाले हैं कि इसका जैक हम निकाल लेते हैं खोल के। जय राम भैया, जय राम, जय राम। तो दोस्तों फिर से बीच में कस्टमर आ जाने पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, तो ये हमने जैक को खोल के निकाल लिया है। और यहाँ पे इसकी सॉकेट में यहाँ लगा लेते हैं इसको। एक मिनट लग जाने दो यार, थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा नहीं लगेगा ना ये। तो ये लग गया है, अब लगाते हैं यहाँ पर अपना हम पावर। फिर से पावर निकाल दिया था मैंने, और ऑन करते हैं इसकी स्विच से ही, देखते हैं ऑन हो जाता है। ऑन तो हो गया, और एक मिनट, सीरीज में नहीं जो ऑन हुआ तो ठीक है। और यहाँ पे हमने अपने स्पीकर का वायर यहाँ पे जोड़ लिया है, ये देख सकते हैं। और आगे ये भी कर लेते हैं, तो वीडियो चल रहा है तो साउंड नहीं आ रही है, तो ऑडियो चेक करते हैं बन रही है। ऑडियो तो नहीं बन रही है, आईसी पर ऑडियो नहीं बन रही है। और आईसी पर सप्लाई कितनी है इसको चेक कर लेते हैं, एक मिनट, सप्लाई आ रही है या नहीं। तो ये हमने मीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे रख दिया है। एक वायर अपना पिक्चर ट्यूब की अर्थ पे रख देते हैं ग्राउंड, और ये दूसरा रेड वायर इससे सप्लाई को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये साउंड वाला सप्लाई 16 वोल्ट, और 16 वोल्ट वहाँ पे तो मिल गया, और सप्लाई यहाँ पर ये 16 वोल्ट हमको यहाँ पे मिला। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये सप्लाई हमारी आती हुई, तो आईसी पर ये सप्लाई दोस्तों आईसी की पिन पर हमको मिल रही है। तो ऑडियो नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए दोस्तों एक और जो कि आईसी चेंज करने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ख़ास बात और होती है, क्या यहाँ पर दोस्तों एक ट्रांजिस्टर लगता है 18-15 नंबर का, यहाँ बिल्कुल पीछे ही है इसके, यहाँ पर ये दिख रहा है कि नहीं आपको। तो ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, एक बार इसको बिल्कुल निकाल दीजिए, बाहर लगाना नहीं है, बिल्कुल ही बाहर निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये शॉर्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से ये समस्या होती है। तो आईसी को चेंज करने से पहले हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं बाहर। ठीक है, ये अपना ट्रांजिस्टर रहा 18-15 नंबर का। ठीक है, और अब इसको लगाते हैं फिर से पावर में, और देखते हैं क्या रिस्पांस कुछ निकलता है या नहीं। तो कुछ हलचल तो साउंड में महसूस नहीं हुई है, लेकिन देखते हैं ऑन करके। ऑडियो बन गया दोस्तों, ये देख सकते हैं ऑडियो बन गया है, और टीवी बस लाइट आ जाए तो फिर आगे की जो है कि भी करके मैं आपको आवाज़ सुना दूं। साउंड तो आ चुकी है, मतलब पिक्चर आ चुका है सरसरानी की। तो ये देख सकते हैं आगे पिक्चर चल रहा है, और यहाँ से अपना साउंड ओके हो चुका है। अगर आप ये ट्रांजिस्टर नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लगा दे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम एक 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपकी। तो थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, म्यूट के लिए यूज होता है, तो बिल्कुल ही म्यूट हो गया शॉर्ट होके। तो प्रॉब्लम तो यहाँ से अपनी सही है, और एक बार हम इसकी साउंड की जो है स्पीकर जो इसमें टीवी में लगा हुआ है इसका जो है कि चला कर देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले टीवी की सर्किट जो है अपनी पलटनी पड़ेगी, सीधा करके इसकी सांचे में डालते हैं, सांचे में जो है कि डाल लेते हैं फिर हम। एक मिनट दोस्तों, काफ़ी भारी है यार एक हाथ से उठाना जो है कि। ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, और इसका पीटीसी का जैक ये लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लग चुका है, मीटर ऑफ कर देते हैं, और
चलते हैं लिवाकर आपको डिस्प्ले पर। और डिस्प्ले पर लिवाकर चलने से पहले दोस्तों हम एक बार इसको लगा लेते हैं फिर से पावर में यहाँ नीचे। तो ये हमने लगा लिया है पावर को और इसका पावर का लाइट जल रहा है, ठीक है, ऑन तो हुआ। टीवी में से टुक से आवाज़ भी आ चुकी है, सरसराने की आवाज़ भी आ गई है, ये देख सकते हैं। भोपाल में सनी लियोन के नए गाने पर विवाद, 11 पॉइंट नरोत्तम मिश्रा की हिदायत, कहा 3 दिन में गाना हटाए नहीं तो होगी कार्रवाई, ठीक है। तो ये समस्या दोस्तों अपनी सही हो चुकी है। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी के साथ ये वीडियो बना है, तो वीडियो में कैसा लगा आप सबको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। कैसा लगा वीडियो आप सब कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई और समस्या हो तो एक बार जो है कि आप पूछ सकते हैं मुझसे, अगर मुझे पता होगा तो मैं उसकी जो है कि आपको वीडियो भी दे सकता हूँ या फिर कमेंट पर ही आपका जवाब भी दे सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। और चैनल पर आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, रिक्वेस्ट है, ठीक है।